बन जाएंगे। ओके, हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो मैं फ्रैक्शंस को लिख रहा हूँ, लाइक और अनलाइक की तो बात में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तीन चीज़ चेक करेंगे हम, प्रॉपर है कि नहीं, इम्प्रॉपर है कि नहीं, लाइक है कि नहीं। तीन चीज़ पहले लिख रहा हूँ, 6/7। ओके, कैसा फ्रैक्शन है ये? देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जब छोटा होता है ऊपर वाला, तब उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए फिर 8/7 आपने लिख दिया, ठीक है। आप देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। देखो आपको बताया गया था कि बड़ा वाला छोटे वाले को नोक से मारता है, देख रहे हो, भाला से मारता है, तो न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर को नोक से मार रहा है भाले से, इसलिए न्यूमरेटर क्या हुआ, बड़ा है। और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो क्या होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने लिखा 5/7। ओके, अब देखो इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ओके, आप देखिए, अब अगर हम सबको एक साथ ले लें, यहाँ कामा लगा दें, क्या लगा दिया हमने, कामा। अब सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, यहाँ 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, सब के सब 7 डिनोमिनेटर रखते हैं, सबके डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन हुआ, लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। बट माय टॉपिक इज व्हाट, एडिशन। व्हाट, एडिशन। तो एडिशन है तो हम कामा को हटा देंगे, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, आप लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में सबसे पहले क्या करते हैं, अपान का साइन बनाते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ हम सेम मतलब कि सेम मतलब लज्जा होता है, सेम डिनोमिनेटर रख देंगे यहाँ। ओके, अब ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 6+8+5। अच्छा, आप लोग एक गलती करते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, प्लस नहीं कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस तो साइन है, प्लस माइनस क्या है, साइन है, प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस नहीं कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आप कभी मत बोलिए ऊपर वाले को प्लस कर लेते हैं, नो, ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड का साइन हमने लगा दिया है, ऐड का साइन क्या होता है, प्लस, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये साइन है, इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर माने चलाने वाला, मैथ्स को चलाने वाला, ठीक है। ये जितने भी साइन हैं ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, कौन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन लेस देन ग्रेटर, ये सब के सब, ग्रेटर देन लेस देन, ये सब के सब, इवन एलसीएम या सीएफ भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ आप वहाँ तक मत जाइए, आप बस जहाँ तक आपकी क्षमता है वहीं तक जाइए। इक्वल टू का साइन भी क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ कभी प्लस मत बोलिएगा कि ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे, ये गलत बोलते हैं आप, ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करिए, 8 और 6 बताओ जी तुम कितना होता है, आप बताओ, बोलो 8 और 6 कितना होता है, 14। अच्छा गुड, 14 होता है। अब 14 को चलो अब इसे 5 को ऐड करो, आप बोलो कितना होता है, आप, हाँ आप ही पूछ रहा हूँ, कितना होता है, 19। वेरी गुड, 19 अपॉन 7 हो गया।
अब जितने भी ये पाला था आपको, जितने भी लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन मिलेंगे ऐसे ही करना है, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे सेम और ऊपर वाले को न्यूमरेटर को ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करके यहाँ लिख देंगे। अब बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये वाला प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? बोलिए भाई कैसा फ्रैक्शन है, बोलिए, चुप मत रहिए, बोलिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। इम्प्रॉपर भाई, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन व्हाट डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। शायद हमें याद है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में बताया था, अगर नहीं बताया था तो देख लीजिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, देखो 19 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड किया, 7 का टेबल पढ़ो, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, ज़्यादा हो गया 3 जा ना, हाँ तो कितना ले जाएंगे कोसेंट, 2 टाइम 7 टू जा 14, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप कहीं माइनस करेंगे, व्हाट डू यू मीन माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस मत बोलना कभी जीवन मत बोलना, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, ये होल नंबर हो गया आपका, क्या हो गया होल नंबर 2, आइए हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, ठीक है, आइए क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, पहले से भी ये डिनोमिनेटर था, सोचने की बात ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर कितना है 7, आइए हो जाएगा न्यूमरेटर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया। चलिए एक दूसरा लेते हैं, अब ज़्यादा चिल्लाएंगे नहीं, अब सीधा सीधा लिखते हैं हम, क्योंकि एक बार पहचान करवा दिया हमने आपके, 3/5 प्लस 4/5 प्लस 2/5 प्लस 6/5, देख रहे हो ना, इसका भी न्यूमरेटर छोटा, इसका भी न्यूमरेटर छोटा, इसका भी न्यूमरेटर छोटा, ये तीनों क्या हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो तो इसके एडिशन में पहले हम डिनोमिनेटर को 5 लिख ही लेते हैं और न्यूमरेटर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, अभी कहेंगे प्लस करते हैं, बहुत मारेंगे, 3+4+2+6, चलिए 4+3 कितना होता है 7, 7 में 2 ऐड करिए 9, 9 में 6 ऐड करिए 15 अपॉन 5। चलो भाई ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो डिवाइड करते हैं पहले 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 लीजिए 3 आ गया, न्यूमरेटर 0 आ गया, तो इसको 0 थोड़ी लिखेंगे कि 0.5 नहीं, आप कोई लड़का अगर ऐसे लिख दे 3 and 0.5 ये गलत नहीं है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट है, लेकिन 0.5 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 0 अगर कुछ है ही नहीं तो उसका डिवीजन क्या करेंगे, आपके पास 1 रुपया नहीं है, कुछ भी नहीं है तो बंटवारा क्या करेंगे, जब कुछ रहेगा तब तो उसका बंटवारा करेंगे, फ्रैक्शन में बताया गया था कोई पूरी चीज़ होती है तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक इक्वल पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं 0.5 कह रहे कुछ है ही नहीं तो क्या हिस्सेदारी करोगे इसमें, क्या बांटोगे, कुछ नहीं ना, हाँ तो इसलिए इसको लिखना क्या है बेकार है। तो क्या आंसर आ गया आपका 3, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनला सॉरी लाइक फ्रैक्शन, थैंक यू सो मच।